नमस्कार दोस्तों, बात चाहे देश के दुश्मनों से निपटने की हो या फिर देश के अंदर हुए किसी भी गंभीर हादसे या आपदा की हो, देश पर जब भी कोई संकट आता है हमारे जवानों ने हमेशा मुस्तैद होकर इन समस्याओं का सामना किया है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ जब उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही मच गई और देखते ही देखते सैलाब ने जैसे सब कुछ उजाड़ कर रख दिया हो। ऐसे गंभीर संकट के समय एक बार फिर देश के जवानों ने मोर्चा संभाला तो कवि कुमार विश्वास इन जाबाज जवानों की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि तेरे होने से ही मेरा होना है। दरअसल रविवार को जैसे ही खबर आई कि चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिर गया है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, मंत्री से लेकर अफसर तक, हर कोई एक्शन में आ गया। गृहमंत्री अमित शाह ने तो ताबड़तोड़ कदम उठाए, जिसका नतीजा ये रहा कि महज 30 मिनट में ही एयरपोर्ट से लेकर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। चमोली पहुंचते ही जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आईटीबीपी की टीम ने सुरंग में फंसे कुछ लोगों को भी बचाया। रविवार को दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में एनडीआरएफ के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि अब हम दूसरी सुरंग पर फोकस कर रहे हैं जो टनल नंबर 1 है। हमें पता चला है कि वहां 30 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए हम रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। हमारी टीम पहले से ही काम पर लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि हम उन्हें बचा लेंगे। आईटीबीपी के जवानों का यही साहस और हौसला देखकर कवि कुमार विश्वास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने आईटीबीपी की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मिली इस अपडेट को शेयर करते हुए लिखा, तेरे होने से मेरा होना है, मैं नहीं जानता कि तू क्या है, करोड़ों हाथों के सलाम स्वीकारो भारत पुत्रों। कुमार विश्वास ने एक और ट्वीट में चमोली हादसे पर दुख जताते हुए कहा, देवादिदेव से प्रार्थना करिए कि देवभूमि उत्तराखंड को किसी भी प्रकार के अमंगल से बचाएं। आप सब भी बहुत सतर्क और सुरक्षित रहें। मां गंगा के किनारे बसे सभी देशवासियों के प्रति प्रार्थनाएं। चमोली हादसे के बाद जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने तपोवन इलाके में एक सुरंग से 15 लोगों को बचाया और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आईटीबीपी के जवान कड़ी मशक्कत के साथ कीचड़ के बीच एक शख्स को सुरंग से निकालते हैं। सुरंग से निकलते ही वो शख्स जिस तरह से खुशी से झूम उठा, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है आईटीबीपी के जवानों की बहादुरी जो है कितनी ज्यादा है और सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी के किस्से छाए हुए हैं। बहरहाल आपको बता दें, भारतीय सेना ने ऋषिकेश के पास सैन्य स्टेशन सक्रिय करके अपने हेलीकॉप्टरों और सैनिकों को वहां तैनात कर दिया है और इस पूरे ऑपरेशन और बचाव कार्यों की निगरानी सेना मुख्यालय से की जा रही है। सेना की 6 टुकड़ियां उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना की गई हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार और एनडीआरएफ की मदद के लिए चौपर और सैनिकों को भी तैनात किया गया है। ग्लेशियर फटने के बाद मची तबाही को देखते हुए तीनों सेनाओं ने अपने अपने स्तर पर मोर्चा संभाले रखा है। एयरफोर्स ने एक टास्क फोर्स बनाया है जिसका नेतृत्व एक एवीएम रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। सारे एजेंसीज के साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है ताकि ये ऑपरेशंस ठीक तरीके से आगे बढ़ पाए। जहाँ तक कि कल हम जो ऑपरेशंस करने वाले हैं उसका थोड़ा विवरण देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया है, रेस्क्यू एजेंसीज और काफ़ी सारा लोड देहरादून पहुँचाया गया है। अब देहरादून से आगे अफेक्टेड एरियाज़ में कल सवेरे 7:45 बजे 6:45 ऑनवर्ड्स हम हेलीकॉप्टर्स में पर्सनल और लोड आगे ले जाएंगे। इसके साथ एक ALH में 6 साइंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ एरिया में जाएंगे एरियल रिकॉन्सेंस करने के लिए। हमने और भी जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ पे, जैसे गौचर, इनको भी एक्टिवेट कराने का काम शुरू कर दिया है ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेसेज रहें जहाँ से ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कामयाबी के साथ पूरा किया जा सके। सेना की टीम सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चला रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद सक्रिय हैं। वो हादसे के दिन ही 4 बार CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोन कर हादसे के बारे में अपडेट ले चुके हैं। चमोली हादसे पर नजर बनाए हुए PM मोदी ने इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज हम माँ गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से
गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृहमंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां दो एक दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी, मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है, पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं, कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास हैं।